बस्मिल्लर अल्लामक वरह ला आप देख रहे हैं शाजली इस्लामिक सेंटर पर प्रोग्राम आपका पसंदीदा हफ्तावार प्रोग्राम है शरीयत के रंग उलमा के संग इस प्रोग्राम में आप अपने शरीय मसाइल का हल जान सकते हैं अपने रूहानी मसाइल का हल जान सकते हैं अपने जिस्मानी मसाइल का हल जान सकते हैं और ये नेटवर्क आपके लिए अल्लाह की नेमत है कि जिसमें आप अपना हर हर मसला हमसे डिस्कस कर सकते हैं आपकी शरीयत के मसाइल हों आपके रूहानी मसाइल हों या आपके रूहानी इलाज का मामला हो आपके जिस्मानी मसाइल हों उनके इलाज का मामला हो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस ट्रांसमिशन में इन तमाम चीज़ों का हल जानते हैं आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं जिसमें आप अपने शर्य मसाइल का हल हमसे पूछ सकते हैं आप अपने रूहानी मसाइल का हल भी पूछ सकते हैं और जिस्मानी मसाइल का हल भी हमसे पूछ सकते हैं आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही यूनिक टॉपिक है इससे पहले ये बताता चलूँ आज हमारी ग्यारहवीं ट्रांसमिशन है हम ग्यारहवीं वाले पेर की नस्बत से आज ग्यारहवीं ट्रांसमिशन कर रहे हैं आज हमारा टॉपिक है हज़रत ख़ज़र आलाम के हवाले से कि हज़रत ख़ज़र आलाम कौन है हज़रत हज़राम का असली नाम क्या है आपका लक़ब क्या है आपकी कुनीत क्या है आप कब से इस दुनिया में मौजूद हैं और आप जिंदा कैसे हैं इसकी कोई दलील है क्या हमारे पास आप नबी हैं या वली हैं आपने आब हयात कैसे पिया और मुख्तलिफ शजुक से सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सहाबा कराम से और दीगर बुज़ुर्गों से आपकी मुलाकात किस तरह हुई और किस किस नबी से आपकी मुलाकात रही ये तमाम चीज़ें आज के ट्रांसमिशन में हम जान सकेंगे तो आज की ट्रांसमिशन मैं इनशा से आखिर में आखिर तक आप देखते रहिएगा मैं आज इनशा हज़रत खजराम से मुलाकात का वजीफा भी बताऊँगा, कि हम बुजुर्गों के तरीके पर चलते हुए हज़रत खजराम से कैसे मुलाकात कर सकते हैं हम हज़रत खजर आल्लाम से कैसे इकतसाब फैज कर सकते हैं और इस ट्रांसमिशन में हम ये जानेंगे कि हमारी किस तरह मुलाकात होगी उनसे तो ये आज का प्रोग्राम बहुत ही अहम होने वाला है तो याद रखिए सबसे पहले तो अर्ज़ करूँ कि इन बुज़ुर्गों से मिलने का तरीका क्या है क्या सिर्फ वजाइफ से ही हम बुजुर्गों से मुलाकात कर सकते हैं क्या वजीफा पढ़ना हमारे लिए काफी हो जाएगा या हमें अपने जाहिर बातिन में वो तब्दीलियां भी लाना होंगी कि जो हमारे बुजुर्गों का तरीका कार था बात तो फिर वही है कि मुर्शिद मनया पर इरशाद न मनिया कि लहना मुर्शिद फड़के हो हम बुजुर्गों को अपना बुजुर्ग मान तो लेते हैं आकाश कि हम उनका इरशाद भी मान लें। हम बुजुर्गों के अयाम मान रहे होते हैं मना रहे होते हैं लेकिन आकाश उनकी जिंदगी का तौर तरीका हम अपने ऊपर नाफिज कर लें जैसे आज दिन है ताजुल शरिया मौलाना अख्तर रजा खान रहमान का हम उनके अयाम बहुत ही जौक और शौक के साथ मोहब्बत के साथ मनाते हैं मनाने चाहिए बुजुर्गों की याद रखनी चाहिए बुजुर्गों का दिन मनाकर उन्हें ईसाले साले और फातिहा देनी चाहिए लेकिन इसके साथ साथ अगर हम उनकी ज़िंदगी को अपने किरदार में, अपने गुफ्तार में अपने तरीके कार में अपने कारोबार में अपने घर बार में हर हर मामले में अगर हम बुज़ुर्गों के तरीक़े को नाफिज कर लें तो फिर हमें इस तरीक़े से उनका फैज़ मिलता है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सिलसिला है शरीयत के रंग उलम के संग इसमें आपको बुजुर्गों का तरीका भी समझाया जाता है बुज़ुर्गों का तरीका क्या रहा है जितने भी बड़े बड़े आप बुजुर्ग देख लें तमाम सलासिल के बुजुर्गों की तरफ नज़र डालिए जिनसे पूरे पूरे सिलसिले हमें चलते नजर आते हैं जिनके हजारों लाखों मुरीदीन हैं जिनसे आज हम इकत फैज़ करते हैं उन तमाम नफुस ख़ुदसिया को अगर हम देखें तो उन्होंने सबसे पहले शरीयत का इल्म हासिल किया अगर हम अपने बातिन को पाक करना चाहते हैं तो बातिन को पाक करने से पहले अपने जाहिर को पाक करना होगा कि अगर जाहिर को पाक न कर सके तो बातिन कैसे पाक होगा ज़ाहिर को पाक करना ज़रूरी है कुरान कह रहा है कि अल्लाह से मुलाकात का तरीका क्या है नमाज हदीस मुबारका उसमे राजोमिन के नमाज मोमिन की मेराज है और इस मेराज जो हम अल्लाह से मुलाकात करने जा रहे हैं इसकी कुंजी क्या है इसकी कुंजी देखें तो इसकी कुंजी है तहारत वजू कुरान कह रहा है कि या यादी नुम तुम इलास्लातीसलु वजू हकुम के ए ईमान वालो जब तुम नमाज के लिए खड़े हो जाओ फौहसलु वजू हकुम अपने चेहरों को धो लो व इलल मराफिक। और अपने हाथों को धो लो कोहनियों समेत वम सहू बरू और मसा करो अपने सरों का व अरजुम इलल काबैन और अपने दोनों पैरों को टखनों समेत धो लो यह कुरान कह रहा है आज बहुत से मुसलमानों को वजू के फराइज याद नहीं करते हैं तरीके इसके साथ लेकिन हमें फरज़ नहीं पता सुन्नतें नहीं पता और ये भी बहुत जो उलमा की सोबत में बैठने वाले लोग हैं उनको मालूम है कि किस तरह से हमें वज़ू करना चाहिए क्या चीज़ खुश्क रह गई तो हमें हमारा वज़ू नहीं होगा धोने की तारीफ क्या है सिर्फ बाज़ लोग मसा करने को ही धोना भी समझ लेते हैं कि हाथ गीले कर लिए फेर लिए ये मसा करके हाथ धोने की तारीफ में आ गया ये नहीं होता ये येमा ही हैं जिन्होंने हमें बताया कि धोने की तारीफ क्या है धोने की तारीफ है कि हर हर हिस्से से पानी के दो कतरे पानी के दो कतरे बह जाए जब हम ये करते हैं कि जनाब वजू कर रहे होते हैं तो फिर हम जब पानी डालते हैं तो वो पानी मुस्तमल कब हो जाता है कि जब वो हम पानी डालते हैं तो पानी हमारे जिसम से जुदा होने के साथ ही मुस्तमल हो जाता है मुस्तमल क्या होता है कि वो पानी जो इस्तेमाल हो चुका है अब उससे दोबारा वजू नहीं हो सकता गसल करने लोग जा रहे होते हैं तो पानी को गर्म ठंडा करने के लिए उंगली डालकर चेक कर लेते हैं और उनका वज़ू नहीं होता उनका गसल नहीं होता तो वो जो पानी को गर्म ठंडा चेक करने के लिए अगर उंगली डाल दी या मग भरने के लिए पानी डाला तो हाथ डाला बाल्टी में या बर्तन में तो वो अ, जब आप बेवज़ू आदमी किसी पानी जो कि पानी दह दर दह ना हो दस हाथ लंबा दस हाथ चौड़ा इतना बड़ा बड़ी जगह पर पानी ना हो दह दर दह कहा जाता है उसे अगर इस तरह से ना हो तो क्या होता है वो पानी मुस्तमल हो जाता है अब उससे ना वज़ू हो सकता है ना उससे गसल हो सकता है उसी से वज़ू और गसल करके जा रहे होते हैं और बहुत सारे शागिर्द हमारे बहुत सारे मुरीदीन बहुत सारे ऐसे लोग जो आ, कहते हैं कि पढ़ा और कुछ नज़र नहीं आया कुछ दिखा नहीं जब बहुत ज़्यादा तवज्जो की तो जाहिर तहारत थी नहीं जब जाहिरी तहारत नहीं होगी नमाज की कुंजी होगी नहीं तो फिर वो ताला कैसे खुलेगा बग़ैर चाबी के तो इसलिए ये तहारत हमें कहां से मालूम होगी ये मसाइल हमें कौन बताएगा ये मसाइल हम उलमा से सीखते हैं और कुर्बान जाइए मेरे उस्ताद मेरे रहबर मेरे रहनुमा मेरे मोहसिन हमारे सबकी दिलों की धड़कन डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाजली साहब जिन्होंने आपको पहले दिन से लम्हा बम्हा रूहानियत सिखाते रहे अपने दिल को साफ करने का तरीका सिखाने के साथ साथ उनका जुमला कि जब हमने उलमा का सिलसिला शुरू किया तो फिर हमने समझा कि आज हमारा नेटवर्क मुकम्मल हुआ ये डॉक्टर साहब के अल्फाजे और लाइव फरमाया था हजरत ने मतलब क्या है कि डॉक्टर साहब ने आपकी ज़ाहिर बातिन की असलाह के लिए ये नेटवर्क बनाया तो इस नेटवर्क में उलमा का भी किरदार उन्होंने ज़रूरी समझा इस प्रोग्राम को उन्होंने शुरू किया और इस प्रोग्राम के लिए फ़कीर की ज़िम्मेदारी लगाई तो उनकी कमाल मोहब्बत कमाल शफ़क़त कमाल का अहतम मेरी खुश नसीबी कि मैं आपके सामने ये सब कुछ बयान कर रहा हूँ हज़रत के हुक्म के मुताबिक तो जब हमें अपने बातिन को संवारना हो तो पहले ज़ाहिर को संवारा जाता है कि ज़ाहिर को संवारे बगैर हमारा बातिन नहीं खुल सकता इसलिए लिए ज़ाहरी तहारत के हवाले से सरकार आलम सल्ला तसल्म फ़रमाते हैं ना कि अतरशतरईमान जिसका तर्जमा किया जाता है अक्सर जो हम मशहूर उर्दू में तर्जमा करते हैं कि सफ़ाई निसफ ईमान है तो जब तक हम पाक और साफ़ नहीं होंगे तो फिर हम इकतिस फैज़ हासिल करने के लिए तैयार हो ही नहीं सकते तो ये अहमियत हमारे दिलों में हो गई तो हम और शौक के साथ इल्म दीन हासिल कर रहे होंगे तो फिर हमारा जाहिर भी संवर जाएगा हमारा बातिन भी संवर जाएगा और फिर हम ओलिया के राम के तरीकों पर चलते रहेंगे तो हम अपनी मंजिल की तरफ जा सकते हैं हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह तु फरमाते हैं कि ए बंदा मोमिन इल्मे दीन हासिल करने के फौरन बाद मिंबर पर ना जा पहले किसी फ़कीर के हाथ में हाथ दे अपने बातिन की असलाह कर फिर मिंबर पर आ वरना फसाद होगा रेमाम मालिक ताला क्या ही फरमाते हैं हज़रत फरमाते हैं कि मैं यहा वलम या के जिसने फिकह का इल्म हासिल किया और तसव्वुफ का इल्म हासिल न किया फ़क़त तफ़ा कि उसने फिस्क किया और फिर फरमाया कि मन तसव्वफ़ा जिसने तसव्वुफ का इल्म हासिल किया वलम या तफ़ कहा कि उसने फिकह का इल्म हासिल नहीं किया फ़क़त तंदा कि वो जिंदी को जाएगा मन जमा बई नुम और जिसने इन दोनों को जमा किया यानी ज़ाहरी ूम को भी हासिल किया बातनी ़लूम को भी हासिल किया फ़क़ हक क़ा के उस वो मुहि हुआ वो हकीकत को पहुँचा यानी जिसने पहले फिककी तो हो गया लेकिन तसव्वुफ न सीखा तो क्या फरमाते हैं कि उसने फिस्क किया वो फासिक हो जाएगा और जिसने सिर्फ़ तसव्वुफ हासिल किया और जाहिरी ूम हासिल न किए फकत तज़न दखा कि वो जिंदी हो जाएगा जिंदी होता क्या है एक काफिर में एक मुनाफिक में और जिंदी में फ़र्क क्या है काफिर क्या होता है काफिर ये होता है कि अल्लाह तबारा व तआला की वहदानियत या जरूरियात दीन में से किसी एक का भी इनकार करना या सब चीज़ों का इनकार करने वाला काफिर कहलाता है वो सराहतन कुफर करता है वो एलानिया कुफर करता है वो काफिर है जो इनकार करने वाला है वो काफिर है मुनाफिक क्या है ये भी है तो काफिर लेकिन अपने आप को बज़ाहिर मुसलमान कहला रहा है लेकिन इसके दिल में ईमान नहीं है ये मुसलमानों से मिलता है तो कहता है मैं ईमान वाला हूँ और जाकर काफिरों से मिलता है तो कहता है मैं तो मुसलमानों को धोखा दे रहा था ये है मुनाफिक और जिंदी क्या है जिंदी वो शख्स है जो ख़तरा शैतानी में मुबतला है क्या मतलब कि वो बज़ाहिर अपने अकायद बातिला को सही समझ कर उन पर कायम है उसे नहीं पता कि उसका ईमान सलब हो चुका वो जिस ख़तरे में पड़ा हुआ है वो ख़तरा शैतानी है और इस मंजिल से निकालने वाला शेख कामिल होता है और फिर आगे इमाम मालिक क्या फरमाते हैं मन जमा बई न और जो इन दोनों चीज़ों को जमा कर देता है फ़कद तह के वो हकीकत को पहुँचा जिसने इल्मे फ़िक्र भी हासिल किया तसव्वुफ भी हासिल किया उसने हकीक़त को पहुँचा हकीक़त को पहचान लिया वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच गया तो याद रखें ये जो इमाम मालिक का कॉल है इसको बेअन ही हमारे नेटवर्क में इसकी अमली शकल नजर आएगी आपको कि हमें रूहानियत भी सिखाई जा रही है हमें तसव्वुफ भी सिखाया जा रहा है और हमें जहाम भी सिखाए जा रहे हैं तो रहनुमा ऐसा होना चाहिए तो जब ऐसा रहनुमा हो तो फिर कहा जाता है कि हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए ऐसा रहबर हो तो फिर क्या चाहिए हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए कि ऐसा रहनुमा होना चाहिए कि जिससे जिसके साथ अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा उस कोशिश में उस लगन में लगे रहने को दिल करे कि ऐसा रहनुमा हो ऐसा रहबर हो ऐसा हम सफर हो कि ए रहबर कामिल चलने को तैयार तो हूं पर याद रहे उस वक्त मुझे भटका देना जब सामने मंजिल आ जाए कि जब हम सफर ऐसा हो जब हमारा रहनुमा ऐसा हो हमारा उस्ताद ऐसा हो तो फिर मंजिल को पाने की ख्वाहिश नहीं बस दिल में एक ही तमन्ना रहती है कि बस सफर चलता रहे सफर चलता रहे सफर चलता रहे तो अल्लाह तबारा का वाले हमें इस नेटवर्क से जुड़े रहने की इससे इकतसाब फ़ैज़ हासिल करने की अपने जाहरी असलाह अपनी ज़ाहरी असलाह की भी तोफ़ी दे अपनी बातनी असलाह की भी तोफ़ी दे अब हम चलते हैं इस तमहीद के बाद अपने असल टॉपिक की तरफ कि हमारा टॉपिक है हज़रत ख़ज़राम कि हज़रत ख़ज़राम कौन है आपका नाम क्या है तो हजरत खजर असलम बि तो अल्लाह के वली हैं इनकी नबूवत में इख्तलाफ है उसका मैं तफसीली बयान आगे आकर करूँगा याद रखें कि हर नबी वली होता है हर वली नबी नहीं होता नस्बत अमूम खसूस मतलक़ ये मनतिक में हम पढ़ते थे कि नस्बत अमूम खसूस मतलक है कि देखें हर नबी में विलायत ज़रूर होती है लेकिन हर वली में नबूत नहीं होती तो हर नबी वली ज़रूर होता है हर वली नबी नहीं होता तो ये हम हमें लाजिम है नभुव, हम नबू के कायल हैं और इस हवाले से कसर रिवायतों में कसर अहदीस में कसर तफसर की कुतुब में और शूह और सलासल के बुज़ुर्ग इस चीज़ पर जमहूरमातफ़ हैं कि हज़रत नबी हैं ख़ैर बाज़ लोग इस तरफ गए कि ये वली हैं ख़ैर बाज़ लोग इस चीज पर इख्तिलाफ करते हैं इनकी पर, इनके वली होने पर कोई इख्तलाफ नहीं करता तो हजरत बिल इतफाक अल्लाह के वली हैं। आपका असल नाम बलिया है आपके वालद मोहतरम का नाम मलकान है और आपकी कुनीत अबुल अब्बास है आपका लकब खज़राम मतलब हम जिस नाम से जानते हैं वो आपका नाम है ही नहीं वो तो आपका लकब है आपका असल नाम है बलिया आपके वालिद मोहतरम का नाम मलकान है और आप की जो कुत है वो अबुल अब्बास है तो इनको इनका पूरा नाम क्या है अबू अब्बास बलिया बिन मलकान हज़रत ख़ज़राम दोबारा बता देता हूँ इनकी अबुल अब्बास है इनका नाम बलिया बिन मलकान है और इनका लकब है हज़रत ख़ज़राम इस खज़र की वजह क्या है वजह तस्मिया क्या है कि आपको खजर का लकब क्यों मिला लकब होता क्या है लकब ये होता है कि किसी भी वजह से किसी भी सिफत की वजह से किसी का नाम पड़ जाना जैसा जैसा कि अली रजी अल्लाह तहों का नाम शेर खुदा असदुल्ला उनकी बहादुरी की वजह से हुआ तो हज़रत ख़ज़राम का जो नाम है वो इसलिए ख़ज़र पड़ा कि सरकार आलम सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम फ़रमाते हैं कि हज़रत ख़ज़र आलम जिस जगह पर नमाज़ पढ़ते हैं अगर वहाँ पर सब्ज़ सब्ज़ा ना हो तो वहाँ पर सब्ज़ा हो जाता है जिस जगह पैर रखें वहाँ पर हरियाली हो जाती है तो हरियाली चूंकि अरबी में ख़जरा कहते हैं सब्ज़े को सब्ज़ रंग को कहते हैं आप ये देखें कि हम गुमबद खजरा को भी खजरा गुमबद खजरा हरा गुंबद क्यों कहते हैं वो इसीलिए कहते हैं कि वहाँ पर हरा रंग पाया जाता है तो जहाँ पर भी हरा रंग पाया जाता है तो हमें हम उस जगह को खज कहते हैं और ये गुंबद चूँकि सब्ज़ है तो ये गुमबद खजरा है और गुमबद खजरा हमारी आँखों का नूर है हमारे दिल का सुरूर है तो खज़र सलाम को ख़ज़र सलाम इनका लकब इसी वजह से पढ़ा कि आप जहाँ पर भी क़दम रखें वहाँ पर सब्ज़ा उग जाता है इस वजह से आपको ख़ज़र सलाम कहा जाता है तो आपके बारे में आता है कि आप सलाम बादशाह ज़ादे थे लेकिन आपने तमाम जाहो जलालत अपनी बादशाह अपना जो भी ऐश आराम था वो तमाम छोड़कर अल्लाह तबारा का वाले की इबादत में लग गए ये हज़रत जुलकर नैन के जमाने के हैं हज़रत कर नैन का ज़िक्र सूर कहाफ में होता है और जुलकर नैन का असल नाम था सिकंदर और उन्होंने सल्तनत स्कंदरिया बनाई थी और उस सल्तनत में हज़रत सलाम वजीर थे और ये भी कहा जाता है कि ये हज़रत ख़ज़र सलाम हज़रत जुल्करन के खालाजाद भाई थे तो हज़रत ख़ज़राम जब ये मैं वाक़ आपको कौन सा बता रहा हूँ कि जनाब हज़रत ख़ज़र आलम ने आब हयात कैसे पिया इस हवाले से कससम्बिया में क्या लिखा है कि लम्बिया में ये लिखा है कि हज़रतुलकर ने किताबों में जब पढ़ा कि औलाद ओसाम इनको आब हयात मिल जाएगा और वो इसको पीकर हमेशा ज़िंदा रहेंगे जुलकर नैन ने वहाँ के हकामा से वहाँ के ऊलमा से इस बारे में पूछा कि ये आब हयात क्या है तो उन्होंने बताया कि हमने हज़रत आदम सलाम के सवान में ये पढ़ा है कि एक जगह है कोहे काफ़ में वहाँ पर एक झील है जो कि दूध से ज़्यादा उसका पानी सफ़ेद है शहद से ज़्यादा मीठा है मक्खन से ज़्यादा नरम है वो है आब हयात तो ुल्कन ने ये इरादा किया कि मैं अब आब हयात पीऊँगा और हमेशा ज़िंदा रहूँगा तो जब ुलन ने अपने लोगों से मशवरा किया कि इस सफ़र पर कोह की तरफ निकल रहा हूँ तो फिर कितने सवारियों की ज़रूरत होगी और कौन सी सवारी सबसे बेहतर है तो उन्होंने बताया कि घोड़ी की सवारी सबसे बेहतर है जिसने बच्चा ना जना हुआ हो तो घोड़ी की सवारी वहाँ पर तैयार की गई घोड़ी की सवारी ली गई और घोड़ी की सवारी कितनी ली गई एक हज़ार घोड़ियाँ उन्होंने ली और अपना जो सामान वग़ैरह है ज़्यादा राह वो ले लिया और उस पूरे लश्कर को उन्होंने तैयार किया और उस लश्कर पर हज़रत ख़ज़र सलाम को कमांडर बना दिया उनको अमीर काफ़िला बना दिया और तमाम मामलत हज़रत ख़ज़र सलाम के हवाले कर दिए तो हज़रत ख़ज़र सलाम के साथ जब वो सफ़र करने लगे तो एक लंबा तवील सफ़र जारी रहा जब को काफ पे पहुँचे तो चूँकि उन्होंने ज़्यादा राह में ऐसी चीज़ें भी ली थी जो कि हीरे जवाहरात और ऐसे पत्थर भी थे कि जो रास्ता दिखाते थे कि अंधेरे में चमकते थे और रास्ता देखा जाता था ये माल ये सामान जो है वो हज़रत ख़ज़र सलाम के पास था तो वहाँ ढूंढते रहे कुछ ना मिला उसके बाद हज़रत ख़ज़र सलाम का अपने काफ़िले से जुदा हो जाना और फिर एक मकाम पर पहुंचना वहाँ पर अंधेरा है कुछ नज़र नहीं आ रहा तो आप ने वो पत्थर निकाले और राह देखना चाहिए तो एक झील है आपने वजू करके उसका पानी पिया वो था आब हयात और उसको पीने के बाद आप हमेशा ज़िंदा रहेंगे जब तक कयामत नहीं आ जाती कयामत तक आपको अल्लाह तबारक का वा वाल हयात अता फरमाता है और आप कयामत तक ज़िंदा रहेंगे आप तमाम मामूलात को देखते हैं तमाम रूहानी मामूलात को देखते हैं और अल्लाह वालों से मुलाकात करते हैं उनकी मुआवनत करते हैं उनसे जाकर आ, उनकी आ, उनको तलीम तरबियत देते हैं और जो अल्लाह का हुक्म होता है जहाँ जाने का जैसे जाने का वो जाते हैं और जहाँ जैसे दिल चाहे जाते हैं अब वो हयात खिजरी में हैं वो हयात अबदी में हैं तो ये है आब हयात कि हज़रत ख़ज़र सलाम ने आब हयात पिया और हमेशा के लिए आप ज़िंदा हैं इसीलिए हम आपस में एक दूसरे को दुआ देते हैं कि अल्लाह आपको हयात ख़ज़र फरमाए क्या मतलब कि अल्लाह अल्लाजल आपको लंबी ज़िंदगी फरमाए इतनी लंबी ज़िंदगी कि जितनी अल्लाह तबारक का वाली ने हज़रत ख़ज़राम को दी कि आप कयामत तक ज़िंदा रहें सेहत के साथ सलामती के साथ कि आप हयात में सिर्फ़ और सिर्फ़ हयात ही नहीं बल्कि उसमें तंदरुस्ती भी है उसमें आपके जाहिर बातिन की पाकी भी है उसमें तमाम वो चीजें मौजूद हैं जो आपके लिए जरूरी है तो आपने आब हयात पिया इसीलिए हम हयात खजरी का जिक्र करते हैं और एक दूसरे को दुआई देते हैं कि अल्लाह से हमारे प्यारों को हयात खिजरी अता फ़रमाए हमारे मुर्शद करीम को हयात खजरी अता फ़रमाए एक शेर मैंने जैसे लिखा था पीर साहब के हवाले से नामोश्रालत पर मैंने एक शेर लिखा था कि सरकार की उल्फत है मेरी घुट्टी में शामिल और उसको जिलाते हैं मेरे मुर्शद कामिल मुर्शद को मेरे मौला उम्र खिजरिया सरकार का नौकर हूँ मैं सरकार का नौकर कोई कोईदा नहीं दुनिया में इस इसे से बढ़कर सरकार का नौकर हूँ मैं सरकार का नौकर तो अल्लाह तबारक व वाले हमारे शेख हमारे रहबर हमारे रहनुमा हमारे बुजुर्ग हमारे मोहसिन को शेख तारिक अहमद कादरी आरफ बिल्ला दामद बरकतिया को अल्लाह तबारक वाली हयात खज़री अता फ़रमाए सेहत अता फ़रमाए तंदरुस्ती फ़रमाए हज़रत ने भी हज़रत ख़ज़राम से मुलाकात की है और आपने तीन मरतबा मुलाकात की है हज़रत ख़ज़राम से और बहुत ही मतलब बहुत ही महजूज़ होते हुए हज़रत सुनाते हैं ये वाकयात के हज़रत ख़जराम से किस तरह से मुलाकात हुई कि एक मरतबा आपके शेख ने आपको वजीफ़ा दिया कि समुंदर किनारे जाकर पढ़ना है आपने समुंदर किनारे जाकर पढ़ा और आप पढ़ाई कर ही रहे थे कि एक शख्स आया हज़रत फरमाते हैं कि ख़ान साहब आए और हर तरफ़ घूमने लगे कि चाय ले लो चाय ले लो चाय ले लो तो शेख साहब फरमाते हैं कि मैं काफ़ी देर तक बर्दाश्त करता रहा कि मैं पढ़ाई कर लूँ मैं ऊंचे से पढ़ाई कर रहा लेकिन उसकी आवाज़ मज़ीद ऊंची हो रही थी और कभी दाएं कभी बाएं कभी आगे कभी पीछे चाय ले लो चाय ले लो तो हज़रत फरमाते हैं कि एक वक्त आया कि मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो गई और फिर मैंने उसको कहा कि भाई मुझे चाय नहीं चाहिए क्यों तंग कर रहे हो तो कहा चाय नहीं चाहिए तो बुलाया क्यों था तो कहा भाई मैंने नहीं बुलाया था मैंने कहाँ से आर्डर दे दिया चाय का आप जाइए मुझे अपना काम करने दीजिए बोला देख लो जा रहा हूँ बोले ठीक है आप जाओ अजीब लोग हैं बुलाते हैं फिर हज़रत फरमाते हैं कि फिर शेख साहब के पास गए तो शेख साहब फरमाते हैं कि मैंने तुम्हारी चाय लेकर रख ली है तो कहा हज़ू मतलब तो आपने फ़रमाया कि वो हज़रत ख़ज़र आसम ही तो थे जिनको जो आपको चाय दे रहे थे तो कहा कि मुझे तो नहीं मालूम था मैं तो चाय वाला समझ के उसको भगा दिया तो हज़रत शेख साहब फरमाते हैं कि अगर आप ऐसा मामला तो आप पहले बता देते तो कहा ये अल्लाह के राज होते हैं ये अल्लाह ही जानता है एक और मर्तबा का हज़रत फरमाते हैं कि एक मर्तबा आप चिल्ला कर रहे थे आखिरी दिन एक शख्स आ गया फकीर के रूप में और फकीर के रूप में उसने कहना शुरू कर दिया कि मुझे कुछ दे दो मुझे कुछ दे दो तो शेख साहब ने उनसे मुखातिब होकर कहा कि भाई मेरे पास तो कुछ देने के लिए नहीं है आप माफ़ करें तो कहा अच्छा कुछ भी नहीं है देने को तो मुझसे ले लो कहा हुजूर मुझे नहीं चाहिए आप जाइए अब जब वो चले गए तो शेख साहब के पास पहुँचे वजीफ़ा पूरा करके तो कहा कि वो वजीफ़ा तो कर लिया वो मिलने आए उनसे कुछ लिया ही नहीं वहाँ कहा क्या मतलब बोला वो जो फ़कीर आए थे तो वो हज़रत ख़ज़र सलाम थे बोला हुज़ूर बताया ही नहीं बोला अल्लाह के राज कैसे खोल दो कि जब फकीर को वजीफ़ा करने बैठते हैं फ़कीर या अल्लाह वाले तो फिर अपना दिल और दिमाग खोल कर बैठें तो फिर शेख साहब फरमाते हैं कि फिर एक बुज़ुर्ग हैं उन्होंने हज़रत ख़ज़र सलाम से मुलाकात की ये वो मुलाकातें जो शेख साहब ने ख़ुद इर्शाद फरमाई हैं तो हज़रत ख़ज़र अल्लाम के बारे में बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि वो ज़िंदा नहीं हैं बहुत सारे इख्लाफा हैं लेकिन आप ये देखें कि ये मौजूद भी हैं जिंदा भी हैं हयात भी हैं फैज़ भी देते हैं और सारे मामलात करते हैं और आपने सरकारी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मुलाकात की हज़रत अली रदी अल्लाह तुम से भी मुलाकात हुई है आपकी हज़रत अबूबकर रदी अल्लाह तहों से भी मुलाकात हुई है उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रदी अल्लाह तहों से भी मुलाकात हुई है कसर बुज़ुर्गों से आपकी मुलाकात हुई है तो ये जो मुलाकात है ये जाहिरी जिसम के साथ मुलाकात है बगैर जिसम की मुलाकात नहीं है जैसा कि हदीस मुबारक में है ना कि इन नर रमल हदीस मुबारक है कि अल्लाह के नबी उन के जिस्मों को खाने के लिए मिट्टी पर हराम करार दे दिया इन बेशक अल्लाह ने हर रमादी ज़मीन पर हराम करार दे दिया कि अंताकसादबिया कि वो अम्बिया के अजसाम को खाएँ फ़नबील्ल हय कि अल्लाह के नबी हयात हैं वुरज़क़ और रिस्क दिए जाते हैं इसी के हाशिए में कहा जाता है कि वलदा क़िलान तख़िल दार्फ़ना अला दार्वक़ा इसीलिए कहा जाता है कि अलिया के अल्लाह के वली ला वो मरते नहीं बला किलूना बल्कि वो तो मुंतकिल होते हैं मिन दार्फना के दार फना से दार बका की तरफ वो मुंतकिल होते हैं तो यहाँ पर जो मुलाकातें बताई जा रही हैं या जो हमारे पीर साहब ने मुलाकात की है वो ज़ाहरी हयात के साथ मुलाकात की है वो दार्फना में होते हुए मुलाकात की है दारुल फना से दार बका की तरफ वाली मुलाकात नहीं है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे फरमाया ना कि अम्बिया हयात हैं शहीद हयात हैं अल्लाह के नेक बंदे हयात हैं लेकिन उनकी हयात और हजरत खजर आलाम की हयात में फ़र्क ये है कि वो दार बका में मुंतकिल हो चुके उन्होंने मौत का मज़ा चख लिया अब वो दार फना से दार बका की तरफ मुंतकिल हो चुके हैं लेकिन यहाँ पर हज़रत खजराम का जो मामला है वो दार फना से दार बका की तरफ अभी मुंतकिल नहीं हुए कि तफसर रुहल बयान जिल नंबर पाँच सफ़ा नंबर उनतालीस में है कि जमहूरामा का यही कौल है कि हज़रत ख़ज़र असलम नबी हैं और वो हयात हैं और सब तफसीर तफ़ी बयान के सफ़ा नंबर दो सौ अड़सठ में ये लिखा हुआ है कि चार नबी ज़िंदा हैं जिसम और रूह के साथ चार नबी ज़िंदा हैं कि हज़रत ईसा सलाम और हज़रत सलाम आसमान पर जिंदा हैं और हज़रत ख़ज़र सलाम और हज़रत सलाम ज़मीन पर जिंदा हैं तो हज़रत खजर सलाम जिंदा भी हैं हयात भी हैं और आपकी बुज़ुर्गों से मुलाकात भी है यहाँ तक के सरकार आलम अलैहि वसल्लम से हज़रत खजर सलाम ने मुलाकात की कि हज़रत हजर असकलानी और अल्लामा कस्तलानी रहत और जमहूर का यही अकैदा है कि सरकारी आलम सल्ला वसल्लम से हज़रत ख़र आलम ने मुलाकात की सरकारी आलम अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी मुलाकात की और सरकारी आलम अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद भी आपके जनाजे में भी हज़रत ख़ज़र आसम ने शिरकत की कि कितर हज़रत अबूबकर बहीकी रमत हाकिम में और मुस्तरक में और इमाम शाफे अपने मुस्ंद में लिखते हैं कि सरकार आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जनाज़े पर हज़रत कासिम बिन अब्दुल्ला इन्होंने आकर ख़बर दी कि एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग सफ़े चीरते हुए आगे आए हैं और वो इतना गिरिया और जारी कर रहे हैं कि इतना गिरिया और किसी का नहीं देखा गया तो सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तु ने जब ये सुना तो कहा कि उन बुज़ुर्ग को इधर लेकर आओ तो वो उनको तलाश किया गया तो तलाश करने पर हज़रत नहीं मिले तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजियो ने फरमाया कि वो हज़रत खिज़र सलाम थे और हज़रत खिज़र असलम सरकार आलम सल्लल्लाहु सल्लाम के भाई हैं ये हजरत सदीक अकबर रजियाल तहों ने फरमाया फिर इसी किताब में आगे जाकर लिखा है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तु फरमाते हैं कि आपने ठीक पहचाना कि वो सईद्ला ख़ज़र अलम ही थे और इतनी रिवायतों में है इतनी रिवायतों में है कि हज़रत ख़ज़र अलम हज़रत ख़ज़राम ने बुज़ुर्गों से मुलाकात की हज़रत नबी हैं हज़रत इकतब फैज़ करते हैं और हज़रतली रजी अल्लाह तु ने तो बहुत कुछ फरमाया तारीख़ अपने में बताते हैं कि हज़रत ख़ज़र सलाम मदीना शरीफ में रम़ानलमबारक गुजारते हैं और बहुत सारे बुज़ुर्गों से मुलाकात करते हैं और बाज़ बुज़ुर्गों ने ये भी बताया कि हज़रत ख़ज़र आलम हज के दौरान जो जानवर बेच रहे होते हैं उनमें हज़रत ख़ज़र आलाम मौजूद होते हैं और बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग हज़रत से मुलाकात करते हैं मुझे आज भी हज़रत डॉक्टर अब शाहजली साहब को तशरीफ़ तो लाना था लेकिन हज़रत आज फिर तशरीफ़ नहीं लाए और हज़रत ने हुक्म फ़रमाया कि आप बयान करें और ख़ैर मैं अभी तक तो बयान कर रहा हूँ और आप हमें कॉल कर सकते हैं आ, हमारे फ़ोन पर आप कॉल कर सकते हैं हमसे मसाइल पूछ सकते हैं हमसे आप अपने रूहानी मसाइल पूछ सकते हैं अपने शर्य मसाइल पूछ सकते हैं और दीगर मसाइल आप हमसे पूछ सकते हैं अच्छा इसके अलावा आप देखिएगा कि बहुत सारी रिवायतों में अभी मैं आपको तफासिर के हवाले चूँकि मैं अभी तक जो आप देख रहे होंगे कि मैं किसी के इंतज़ार में बैठा हुआ हूँ कुछ सोच रहा हूँ कि हज़ूर तशरीफ़ लाएँगे लेकिन टाइम तो ऐसे ही लग रहा है कि हज़रत तशरीफ़ शायद नहीं ला पाएंगे आज आज भी उन्होंने मेरे ही आ, हवाले सारा कुछ कर दिया तो बुज़ुर्गों की मर्ज़ी है और हम हुक्म के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है तो हम खैर अगर हज़रत तशरीफ़ नहीं ला रहे तो फिर हम आपके सामने बयान करते हैं आप ख़ैर आप कॉल भी कर सकते हैं कि आप जो भी शर मसाइल हमसे पूछेंगे हम बताएंगे अच्छा सबसे पहले तो बता दूं कि हज़रत नबी हैं इसके थोड़े से आपको दलाइल दे दूं उसके बाद हम चलते हैं कि आपको वजीफ़ा भी बताऊंगा मेरे ख़्याल से कितने मिनट हमें हो गए हैं काफ़ी पचास मिनट के करीब हमें हो गए हैं कि हम आपके साथ हैं और मैं ये चाह रहा था कि ये वजीफ़ा हुजूर अपने ज़बान मुबारक से इर्शात फरमाएं तो बहुत आसान रहता लेकिन मैं आपको पहले तफासिर से बताऊंगा उसके बाद मैं आपको बता, जो है, वजीफा और दीगर जो बातें वो इनशा आपके सामने बयान करता हूँ लेकिन नज़रत की मर्जी आज फिर नहीं आया सुबहान्ल जी हजूर असल वरह वर्कमी कौन और कहाँ से इंडिया से माशा अल्लाह हुजूर हुकुम फरमाइएगा डॉक्टर साहब से बिस्मिल्लाह शरीफ कियामुल लिया था ठीक है वो मुकम्मल हो गया था हमारा लेकिन अभी डेली एक तस्दीद हो जाना हमारा चल रहा है ठीक है जी जी आगे का अमल जो मैं चाहता हूँ शौकिया असल कुर्सी का अमल करना चाहता हूँ तो उसका अगर आप इजाजत दे दें दे तो बड़ी मेहरबानी होगी जी नाजीरत तारी साहब बात कर रहे हैं ना दिल्ली से जी जी, जी इजाजत है आप बिल्कुल आपको कामयाब करे और एक चीज़ और जो हम काम करते हैं है, है, तो उसमें नज़रें बार बार बंद जाती है कई दफा तो उसके लिए कोई अमल हो तो बता दे बड़ी मेहरबानी नज़र बंद हो जाती है इसका मतलब क्या है जैसे की अगर हम किसी का इलाज करते हैं ठीक है जी जी इलाज वगैरह करते हैं तो कई दफा क्या होता है कि कोई ऐसे मरीज हो जिसको हम ठीक से ठीक नहीं कर पाते हैं। अच्छा मतलब मरीजों, पाता मरीजों पाता को शिफा नहीं, नहीं हो पाती शिफा नहीं हो पाती ये कह रहे हैं ठीक जी जी. सही है वैसे तो जो आप सूरह कुरैश पढ़ते हैं बस बिस्मिल्ला शरीफ का अमल लिया था चालीस दिन का उन्नीसवा मरतबा और इसके बाद करीमों का अमल लिया था और या या जो है का अमल हम मुकम्मल नहीं कर पाए बिस्मिल्ला शरीफ का सिर्फ किए थे उसके बाद से जो है बातचीत तो नहीं हो पाई इजाजत भी नहीं मिला बिस्मिल्ला शरीफ के अमल में बुजुर्गो से मुलाकात हुआ था दो दफा ठीक है अच्छा तो वो बोले कि आप तबीर ही आपको इजाजत देंगे सुबहान अल्लाह हजूर मेरा बिल्कुल, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि आप जो इलाज जब आपका मामला हल ना हो रहा हो कि आपका असल में एक तबीब का काम है इलाज करना और रब का काम है शिफा देना तो फिर कुरान में से अगर हम पूछे ना कि हम करें क्या इसमें जब हम इलाज कर रहे हैं अब शिफा तो ही नहीं रही है तो फिर कुरान कह रहा है कि वब ही वसीला अल्लाह की जानब वसीला तलाश करो कि जब आपके अमल से आपको फायदा नहीं पहुंच पा रहा तो फिर पीर की बारगाह में हाजिर हो जाए और अगर पीर के साथ बताना चाहता हूँ हमने का अमल किया था ठीक है इसमें हमें जिन्नातों और जो हमारे साथ जिन्नात रहते हैं वो बचपन से ही है अल्लाह वाले आप बहुत तो उन्होंने तो मतलब हमारा साथ भी दिया और उनके अच्छा से हमने अमल उजू, किया हमने बहुत सारा फायदा हासिल किया अच्छा, और लोगों का यहाँ करके जी हजूर मैं ये प्र, प्रोग्राम प्रोग्राम ख़त्म होने ओ, के बाद ये सारी चीज़ें आप मुझे ज़रूर बताइएगा ये नंबर मेरे पास ही होता है और मैं आपके, आपके मामला सुन सकूंगा इस वक्त मैं मुख्तसर बयान करूँ जो आपने एक सवाल बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि ऐसे में क्या किया जाए तो पीर की बारगाह में हाज़िर हुआ जाए पीर की बारगाह में अगर ज़ाहरी तौर पर हाज़िर हो सकें तो अल्लाह और अगर ना हाज़िर हो सकें तो आपका मेडिटेशन आपका मुराकबा आपका मजबूत होना चाहिए और तस्वुर शेख करें और अपने तमाम मसाइल को अपने पीर के हवाले कर दें कि हुजूर मैंने ये अमल किया और इस तरह से ये मामला हुआ अब ये मामला मुझसे हल नहीं हो रहा ये मैं आपकी बारगाह में पेश करता हूँ तो इसको कहते हैं अच्छा, कि अल्लाह के अगर आपने इजाज़त दे दिया है उसका का तो कितने मरतबा पढ़ना होगा और इसका जसात क्या होगा जी इसका बिल्कुल मैं आपको तफसीला ये प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद समझा दूंगा फ़िलहाल तो आपको जो मैंने सवाल का जवाब दिया है ना एक तो इजाज़त दे दी आपको और दूसरा तसवुर शेख के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप का ये कोई मसला हल ना हो रहा हो तो आप पीर की तरफ़ बढ़ें कि आप पीर की बारगाह में हाजिर हों और अपना शेख इतना मजबूत कर लें कि आपको हर हर मसले के लिए अपने शेख से रबता करना हो और वल्ला पहले पहले शुरू में तो ऐसा नहीं हो पाएगा कि आप आँख बंद करें और शेख सामने लेकिन ऐसा एक वक्त आएगा कि आप आँख बंद करेंगे और ऐसे रूबरू रबा होगा जैसे आपके सामने शेख बैठे हुए वालेकुम वरहल बरकात कौन तो और कहाँ से जनाब हलो? जी 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 भाईजान मैं अंजुम बोली मेरा नाम अंजुम इंडिया से बोली भाईजान आपसे बहुत बड़ा खुशकिस्मती है मेरी आप प्लीज खास करके मैं आपको दुआ करने के लिए फोन की हूँ कि मेरे वाले मेरे भाई बहन के लिए मेरे फैमिली के, के लिए दुआ करें और खास ये भी दुआ करें कि सरकार के नसीब हो क्योंकि हम लोग इस माहौल में रहते हैं भाई जान क्यू की बहुत है हमारे यहाँ हमारे लोगों में तुम लोग बहुत दिन से दूर है और मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है भाईजान खास दुआ करे और ये भी कहना था भाईजान भाई कि एक से मैं क्या जो मुझसे दोबारा मुलाकात हुई क्योंकि दो हजार सत्रह में उनसे मुलाकात हुई थी ख्वाब में सो, मैंने ख्वाब में उनको देख, देखी थी मगर मुझे समझ नहीं आया कि क्या रा, क्या रास्ता है क्या रास्ता है नहीं है तो आगे के लिए इसलाह करे और खास दुआ करे भाई जान आप वसल्लम के नवासे हैं इसलिए आपसे खास गुजारिश करती हैं अल्लाह तबारक व तआला आपको दुनिया व आखिरत की हर भर हर भलाई अता फरमाए दुनिया में भी खुश रखे आखिरत में भी अल्लाह आपकी इस मोहब्बत को भी कायम रखे और इस ये मोहब्बत आपके वालिदैन ने आपको आ, दी है और आपको इतना अच्छा आ, उन्होंने आ, अदब सिखाया है कि सरकार आलम तआला अलैहि वसल्लम से नस्बत रखने वाले से किस तरह से मोहब्बत की जाए अल्लाह आपको खुश रखे आबाद रखे और उन वालदेन को भी अल्लाह तबारक का वा वाली अगर वह हयात हैं तो अल्लाह उन्हें हयात खजरी ता फरमाए और अगर इस दुनिया से वालदे जा चुके तो अल्लाह तबारक का वताल उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए और तमाम नाजरन जो देख रहे हैं अल्लाह तबारा का वताली जिनके वालदे हयात हैं तमाम के वाले को जितने की वालद हयात हैं तमाम को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और आप सबको उनकी खिदमत करने की तोफ़ी अता फ़रमाए और जिनके वालदान इस दुनिया से जा चुके तमाम को तमाम वालदे की मकफरत फरमाए तमाम के वालद की मकफ़रत फरमाए और जिनके इस दुनिया से जा चुके वो दिल छोटा ना करें उनके उनकी ख़बरों पर जाकर उनके लिए दुआ करें तो अल्लाह तबारा का मताल आपको उनकी खिदमत करने वालों में लिखेगा तो खैर हम बात कर रहे थे तस्वुर शेख के हवाले से कि तस्वुर शेख वो है कि जनाब आप एक वक्त आएगा कि जनाब आप अपने पीर से ऐसे रब्ता कर रहे होंगे कि जनाब सामने बैठ मतलब आँखें बंद होंगी और दीदार हो जाएगा और फिर इस तरह से आपकी बात हो रही होगी कि सुबहान अल्लाह के उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क आँखों को बंद करते हैं दीदार के लिए असल वरहुल वालेकामूर आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है जी जी हजूर बोल रहे हैं इकराम भाई बात करें देड़ में, का पैर में जखम हुआ है और पैर है बहुत तो उसके लिए दुआ आप तो क्या किया जाए जी जख्म बढ़ गया है चलें चल चले, चले जी मैं इसका हल आपको बता देता हूँ आप प्रोग्राम देखते रहें मैं इन इसका जवाब आपको ज़रूर दे देता हूँ अच्छा ये इकराम साहब ने पूछ पूछा ये कि इनके बहन की टांग पर ज़ख़म है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है फूल गया है तकलीफ़ काफ़ी है तो इसके लिए बहुत ही आसान है कि आप बूटी ले लें और हल्दी ले लीजिएगा सुबुल और हल्दी इसको आप हम वज़न ले लीजिए और इस पर मतलब पचास पचास ग्राम ले लें इन दोनों चीज़ों को और उस पर एक सौ ग्यारह मरतबा सुरह फातिहा रोज़ाना पढ़ लें और उस पर दम कर दें आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम को उनको सादा पानी के साथ दें तो इन श्लाजल कुरान की बरकत से भी इनका मामला बहुत जल्दी बेहतर हो जाएगा और साथ ही साथ आ, ये जो आ, सुंबल और हल्दी है ये बेहतरीन एंटीबायोटिक भी हैं अच्छा बड़ी बात यह है कि एंटीबायोटिक होने के साथ साथ एंटीसेप्टिक भी हैं कि ये आ, लगाना मतलब कीमोथ्रापी की तरह का काम करते हैं कि जब ज़ख़म बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ज़ख्मों पर छिड़क भी दिया जाता है संबल बूटी को सिमलो भी कहते हैं इसको संबल बूटी और हल्दी इन दो चीज़ों को आप मिक्स करके उस पर शुरफ़ात पड़ सकते हैं खैर मैं बहुत ही चूँकि अभी तक तो डॉक्टर साहब का इंतज़ार करते रहे अब हम जो है वो अख्तितम की तरफ जाने से पहले मैं पहले हजरते सलाम के हवाले से जो आ, कुछ आ, बयान कर दूँ कि हज़रत का जो ज़िंदगी का सबूत है और जो है ना हज़रत की नबी होने का सबूत है वो तफासिर में कैसे बयान किया गया तो मैं चंद हवाले मैंने जमा किए हैं वो आपके सामने बताता हूँ अभी तो बहुत सारे बहुत सारी चीज़ें आपको बयान करना रह गई हैं और टाइम बहुत कम रह गया है ख़ैर तो बुखारी शरीफ़ में सरकारी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसमें जो कुरान पाक की तफसीर के तौर पर है कि अब्द मन इमादना के तहत सरकारी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबदन का नाम बताया कि वो अब्द कौन है वो हज़रत अलैहि अलसाम है और तफसर बेज़ावी में है जल्दोम सफ़ा नंबर एक सौ तैंतीस उन्होंने फ़रमाया आतयना रहमतम बिन अब्दिन इस रहमत से मुराद क्या है कि वहील वही व्यलवाही व नबू के ये वही और नब ही इससे तफसर में मुराद लिया जा रहा है और तफ़ी मदारज में भी जल स्वयं में सफा सोलह में इसी आयत के तहत बताया गया कि इस रहमत से मुराद हज़रत ख़ज़र सलाम है और उनकी नबूत इससे मुराद है और तफसर जलालैन में हाशिए नंबर दो सौ सैंतीस में बताया गया कि अक्सरियत ने फरमाया कि हज़रत अल्लाह के नबी हैं और वो हयात हैं तफसीर बयान में जल्द पान सफ़ा नंबर उनतालीस में कहा गया कि जमहूर का यही कौल है कि जमहूरन अला नबी यून के जमहूर इसी चीज़ की तरफ गए कि ये नबी हैं और तफसर बयान के सफ़ा नंबर दो सौ अड़सठ में यही बयान किया गया कि चार अम्बिया जिंदा हैं हज़रत ईसा सलाम हज़रत इदरीसम ये दोनों आसमान पर हैं और हज़रत ख़ज़राम और हज़रत इलियास हज़रतियालामाम ये ज़मीन पर ज़िंदा हैं है क़ारी में भी इसी तरह बयान किया गया फ़तावा रजविया जिल्द बारह सफ़ा बाईस में भी आ, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रम त ने यही फ़रमाया कि जमहूर के कौल के मुताबिक हज़रत ख़ज़र अल्लाम नबी हैं और मनाजिह के सफ़ा सف, सफा नंबर पाँच सौ उनासी में जिल नंबर सात है उसमें भी यही बयान किया गया कि हज़रत ख़ज़र आल सलाम नबी हैं और हज़रत हयात हैं अमामा नववी ने शरा सही मुस्लिम जिल्द नंबर दो सफ़ा नंबर दो सौ उनहत्तर में यही फ़रमाया कि हज़रत ख़ज़र सलाम अल्लाह के नबी हैं आप हयात हैं और हज़रत खजराम का जो हज़रत मूसा सलाम के साथ मुलाकात वाला वाक़ है वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर और उसकी पुरानी तफसीर के हवाले से इनशा जल फिर कभी ज़रूर बयान होगा कि किरत ख़र साम और हज़रत मूसम से मुलाकात वाला मामला कि हज़रत मूस आल् हज़रत ख़ज़र आलम से सीखने गए थे और हज़रत ख़ज़र सलाम के बारे में उलमा ने यह लिखा कि हज़रत ख़ज़र सलाम इल्म में हज़रत मूस आलम से बातिनूम में ज़्यादा थे तो आप ये ये भी नब्त का एक हमें क़ुरान से दलील मिलती है कि एक नबी जो है वो आ, कम नहीं हो सकता किसी वली से में जो ये अकीदा रखता है कि एक आ, वली नबी से इल्म बढ़ गया तो वो काफ़िर हो जाएगा ये हमारा अकीदा है और ये ज़रूरी अकीदा है इसलिए आ, हमें हज़रत ख़ज़र असलम को नबी मानना ये जमहूर के कॉल से है तफासिर कसीरा में ये है सहाबा का यही कॉल रहा है और बहुत सारे अलिया क्राम का यही कॉल रहा है और बहुत सारे अलिया ने मुलाकात की है और तमाम अलिया की हम उनके तरीक़ों पर चलकर हम हज़रत ख़ज़राम से मुलाकात कर सकते हैं अब चूँकि टाइम बहुत कम है और बहुत सारी चीज़ें बयान कर दी जो बयान हो सकें वो बयान कि जो रह गई हैं वो इन फिर कभी किसी नशस्त में आपके सामने बयान करेंगे जी नवीर भाई ने बताया कि वजीफ़ा रह गया मैं इसी तरफ़ आ रहा हूँ कि वजीफ़ा ज़रूर अर्ज़ करूँगा इन शल वजीफ़ा का तो वादा किया था हमने और मैं ये चाह रहा था कि डॉक्टर साहब ख़ुद तशरीफ़ लाइन उनकी मौजूदगी में हम बयान करें लेकिन चलें हज़ूर ने यही आ, ज़िम्मेदारी हमारी लगा दी तो अल्लाह वज़ीफ़ा ये देखें कि मैंने इब्तदा में आपको बताया था कि हज़रत खिजर आल सलाम का नाम क्या है बलिया बिन मलकान अच्छा एक ईमान की हिफाज़त का वज़ीफ़ा भी इसमें ही बता दूँ कि हज़रत खिजर आल सलाम का असली नाम जो याद रखेगा उनकी कुनियत के साथ तो उसका ईमान पर ही ख़ात्मा होगा ये बुज़ुर्गों से हमने सुना कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा ईमान पर ख़ात्मा हो तो हम हज़रत ख़ज़र सलाम का नाम अगर याद रखेंगे तो इसकी बरकत से शैतान हमें बवक्ते ममात हमें गुमराह नहीं कर सकेगा ये हैज़रत ख़र अल्लाम का नाम याद रखने का आ, की बरकत हज़रत ख़ज़र सलाम से मुलाकात कैसे की जाए यही नाम है या अबूब्ब्बास अब्बास आपके ियत है या अबुल अब्बास बलिया सुन लें या अबुल अब्बास बलिया बिन मलकान अबास वसल्लम एक दफा फिर बताता हूँ या अबुल अब्बास बलिया बिन मलकान बेहि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अच्छा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है ये याद रखिएगा तीसरी मर्तबा बताकर अब तादाद बताता हूँ या अबुल अब्बास बलिया बिन मलकान बिहक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ये आपने पढ़ना है इसका आ, मतलब ये अगर आप समझ जाएँ तो फिर आपको ये याद रखने में भी आसानी होगी ये आपने पढ़ना है 3125 हज़ार रोज़ाना इशा की नमाज के बाद दो रकात नमाज नफिल पढ़ने हैं उसके बाद आपने 3125 हज़ार रोज़ाना ये पढ़ना है ये 40 दिन का वजीफ़ा है तो इन श्लाव हज़रत खजर आलाम आपसे बिल मुशाफा मुलाकात करेंगे ख्वाब में आने वाला मामला इस वजीफे में नहीं है बल्कि हज़रत खजराम खुद जिसम और रूह के साथ आपसे मुलाकात करेंगे और आपको फैज़ दे कर जाएंगे और आप उनसे इकतसाब फैज़ कर सकेंगे इस वजीफे का मकसद अपने बात की असलाह होनी चाहिए वो कहते हैं ना कि मांगना मत तो दुनिया की दौलत कि उनसे उन, दुनिया की दौलत ना मांगना जाहो जलाल ना मांगना उनसे मांगना तो फिर अल्लाह की मोहब्बत मांगना रसुल पाक सल्लल्लाहु वसल्लम की उल्फत मांगना शेख की गुलामी मांगना और अपने बातिन बातिन की असलाह मांगना उनसे मुलाकात करके अपने दिल को मुनवर करने का अर्ज़ करना कि हुजूर हमारी तकमील कर दीजिए ये नीयतें होनी चाहिए अगर दुनियावी नीयतें रखेंगे तो फिर आ, मतलब आपने सही नहीं मांगा अगर दुनियावी नीतें रखें तो इसलिए आपने उखरवी और अपने बातिन की असलाह के लिए ये वजीफ़ा पढ़ना है क्या कि या अबू अब्बास बलिया बिन मलकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या स खज़राम ए बनिया बिन मलकान मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके सदका भी मांगना है तो सरकारी आलम सल अल्लाह वसल्लम का तो फिर जब सरकारी आलम सल अल्लाह वसल्लम के सदक़े हमारे जाहिर और हमारे बातिन की इस्लाह होगी तो फिर सुबहानल्लाह तो ये तीन हज़ार एक सौ पच्चीस मरतबा रोज़ाना पढ़ना है इशा की नमाज़ के बाद दो रखात नमाज नफिल पढ़ने के बाद तीन हज़ार एक सौ पच्चीस मरतबा पढ़ना है चालीस दिन तक और आपने इसको परहेज़ के साथ करना है इन वज़ीफे के दौरान ही किसी तरह जैसे आप देखें कि शेख साहब की किस तरीके से मुलाकात हुई कि उन्हें मालूम ही नहीं चला कि हजूर हुज, हज़रत ज़राम आए और चले गए उनके पीर सा फरमाते हैं कि हमने तुम्हारी चाय ले के रख ली तो इसी तरह से अल्लाह तबारक का वाले हमें बुज़ुर्गों के तरीक़ों पर चलने की तोहफ़ी का ताफ़रमाए हमें बुज़ुर्गों से इकतसा फैज़ हासिल करने की तोफ़ी का ताफ़रमाए अपने जाहिर बातिन की असलाह करने की तोहफ़ी का ताफरमाए आज का प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है तो आ, अब इजाज़त दीजिएगा इन शजल अगली नशस्त में बारहवें प्रोग्राम में हम दोबारा आपसे मिलेंगे और आखिरत आखिरत के बारे में दुनिया के बारे में इनशाला वजल हम कुछ न कुछ ज़रूर सीखेंगे और सबसे आखिर में मोहब्बत का पैगाम दूँ कि अपना और अपने प्यारों का बहुत ख़्याल रखिएगा असलकुम वरह ला